सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन स्नाइपर के बारे में। ये कहानी है अमेरिका मिलिट्री के इतिहास के सबसे घातक स्नाइपर की, जिसका नाम है क्रिस काइल। अमेरिका और इराक के युद्ध के बीच क्रिस 4 बार इराक गया था और इस बीच उसने 255 लोगों को मारा, जिनमें से 160 किलिंग्स को खुद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कन्फर्म किया। इसीलिए क्रिस काइल को अब तक का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता है और इस पूरी फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने इराक का दृश्य आता है और यहाँ पे हम हर तरफ अमेरिकी सेना को देखते हैं और वो अपने सर्च रूटीन के लिए बाहर आए हुए होते हैं और वो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी हम एक छत पे देखते हैं क्रिस को और क्रिस अपने स्नाइपर को लेकर के सारी चीजों पे नजर रख रहा होता है और एक स्नाइपर बहुत ही चुस्त और मुस्तैद होता है, इसीलिए वो हर एक हरकत पे नजर रखता है और वो एक एक चीज को देख रहा होता है। तभी एक औरत को देखता है जो अपने बच्चे के साथ बाहर आ रही होती है। तब क्रिस उसे ध्यान से देखने लगता है। तब यहाँ पे औरत कुछ ऐसा करती है जिसे देखने के बाद क्रिस भी भौचक्का रह जाता है। वो अपने पास से एक ग्रेनाइड निकालती है और उसके बाद अपने बच्चे को दे देती है और क्रिस यहाँ पे सोच रहा होता है कि अभी लोग रुक जाएंगे और ये बच्चा आगे नहीं जाएगा, लेकिन इस बच्चे के दिमाग पे भी शैतान सवार है, इसीलिए वो उस ग्रेनाइड को लेकर के आगे बढ़ने लगता है और वो अमेरिकी सेना के टैंक के ऊपर इस ग्रेनाइड को फेंकने ही वाला होता है। तभी क्रिस उसे शूट कर देता है और वो बच्चा वहीं पे गिर जाता है। लेकिन अब ये कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें क्रिस का बचपन देखने को मिलता है और बचपन में अपने पिता के साथ शिकार पे बाहर आया हुआ होता है और यहीं से वो एक हिरन पे गोली चलाता है और हिरन को मार गिराता है, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागता हुआ जाता है हिरन की तरफ। लेकिन इसी बीच वो एक्साइटमेंट में अपने राइफल को नीचे जमीन पे रख देता है और जैसे ही उसके पिता इस चीज को देखते हैं वो क्रिस पे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके पिता भी मिलिट्री में है। इसीलिए वो क्रिस को कहते हैं कि हमेशा ही अपने हथियार की इज्जत करो और उसे कभी भी ऐसे मत फेंको। और क्रिस को भी इस बात का एहसास होता है, इसीलिए वो माफी मांगता है और बंदूक को ऊपर उठा लेता है। तभी हम क्रिस के पूरे परिवार को देखते हैं और ये लोग अभी आए हुए होते हैं एक चर्च में और हमें पता लगता है कि इसका पूरा परिवार आस्तिक है और क्रिस का एक छोटा भाई भी है। इसीलिए जब वो स्कूल गया होता है तभी उसे स्कूल में एक बच्चा मार रहा होता है, इसीलिए क्रिस जाकर के उस बच्चे को बहुत मारता है। और जब इनके पिता को वो बात पता लगती है तब वो इन सबको बताने लगते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक वे जो अपने आप को नहीं बचा पाते और दूसरे वे होते हैं जो अपने आप के लिए लड़ पाते हैं और तीसरा व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के लिए लड़ता है। और क्रिस के पिता ये बात इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि आज क्रिस ने अपने छोटे भाई के लिए लड़ाई की है, इसीलिए वो चाहते हैं कि क्रिस ऐसा ही बना रहे और वो दूसरों के लिए लड़े। और अब समय बहुत ही तेजी से बीतता है और क्रिस और उसका भाई जवान हो जाते हैं। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो एक काउबॉय कंपटीशन में भाग लेता है क्योंकि वो एक काउबॉय बनना चाहता है और वो आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा करता है, इसीलिए उसे मेडल भी मिलता है। लेकिन वहाँ के बाद क्रिस जैसे ही अपने घर पे आता है वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ इंटीमेट हो रही है, इसीलिए वो उस लड़के को मारने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चिल्लाती रहती है, लेकिन क्रिस उसे मार करके यहाँ से भगा देता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम नहीं पूछोगे कि मैंने ये क्यों किया। तब क्रिस कहता है कि नहीं। तब वो बताती है क्योंकि तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते और तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए मैंने ये सब किया था। लेकिन क्रिस कहता है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब तुम यहाँ से जा सकती हो, इसीलिए अब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से चली जाती है। तभी क्रिस टीवी पे देखता है कि यूएस एम्बेसी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मरे हैं। इसीलिए अब क्रिस का खून खौलने लगता है क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त है, इसीलिए वो निश्चय करता है कि वो मिलिट्री में जाएगा और वो अगले दिन ही पहुंच जाता है भर्ती के लिए। तब उसे वहाँ पे पता लगता है कि उसे कड़ी ट्रेनिंग को पास करना पड़ेगा, फिर उसका चयन होगा और वो जल्दी ही ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है। लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत ही तगड़ा होता है, जितने भी लोग भर्ती होने आए होते हैं ये उन्हें आखिरी दम तक तोड़ते हैं, इसीलिए एक के बाद एक लोग यहाँ से भागते जाते हैं, लेकिन क्रिस अंत तक टिका होता है और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग टिक जाते हैं। इसीलिए अब उन्हें इनरोल कर लिया गया है और जल्दी ही उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और इसी चीज के लिए सारे लोग पार्टी मना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है ताया और ताया पे एक लड़का लाइन मार रहा होता है, लेकिन ताया उसे भगा देती है और इस चीज से क्रिस इंप्रेस हो जाता है, इसीलिए वो उससे बात करने लगता है और देखते ही देखते ताया भी उससे इंप्रेस होने लगती है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि ये नेवी सील का हिस्सा है, वैसे ही वो कहती है कि मैं नेवी सील वालों को डेट नहीं करती क्योंकि मेरे पिता भी नेवी में हुआ करते थे। तब क्रिस थोड़ी देर बात करता है और यहाँ से जाने लगता है। तब उसे ताया रोकती है और कहती है कि मैं नेवी सील वालों से शादी नहीं करूंगी लेकिन उन्हें डेट जरूर करूंगी, इसीलिए ये दोनों डेट करते हैं। तभी अगले दिन हम क्रिस को प्रैक्टिस पे देखते हैं और वो स्नाइपर की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका सीनियर उसे ही देख रहा होता है और क्रिस का निशाना यहाँ पे बहुत ही तगड़ा होता है, इसीलिए उसका सीनियर उससे प्रभावित हो जाता है और वो उस पर ध्यान देने लगता है। तभी क्रिस कॉल करता है ताया को और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, इसीलिए वो ताया के साथ समय बिताने लगता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है, इसीलिए दोनों जल्दी ही इंटीमेट होते हैं। लेकिन सुबह में जैसे ही ताया की आंख खुलती है वो टीवी पे देखती है और वो तुरंत क्रिस को बुलाती है और क्रिस को पता लगता है कि अभी 9/11 का अटैक हुआ है और इस चीज को देखने के बाद वो फिर से आग बबूला हो जाता है और अब वो युद्ध पे जाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले वो ताया से शादी करता है और जब इनकी शादी चल रही होती है तभी इनका फरमान आता है कि अभी नहीं इराक के लिए निकलना है और इस बात को सुनने के बाद क्रिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं इराक और जहाँ पे क्रिस को पता लगता है कि इन्हें मरीन के साथ यहाँ पे भेजा गया है और क्रिस कभी भी बैटल फील्ड में नहीं होगा, वो मरीन्स पे ऊपर से नजर रखेगा और अगर कोई भी दुश्मन इनके आसपास आएगा तब वो दूर से उन्हें उड़ाएगा और वो मरीन्स की सुरक्षा करेगा
लेकिन अब इसका एक दोस्त यहाँ के हालात के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है जिसका नाम है मुस्तफा। और मुस्तफा कोई आम स्नाइपर नहीं है, वो ओलंपिक का मेडलिस्ट है और वो सीरिया का है और सीरिया के लिए ही उसने मेडल जीता था, लेकिन अब वो अलकायदा के साथ जुड़ चुका है और यहाँ पे बहुत सारे अमरीकियों को उसने मारा है, इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं। लेकिन क्रिस इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने पोजीशन पे चला जाता है और ये वही जगह है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और अब कहानी वहीं पे आ जाती है जब क्रिस उस बच्चे को मारता है, लेकिन अपने बच्चे के मरने के बाद भी इस औरत को होश नहीं आता और अब वो उस ग्रेनाइट को उठा लेती है और उसे अमरीकी सेना पे फेंकने ही वाली होती है। तभी क्रिस उसे भी शूट कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन क्रिस इस हादसे के बाद बहुत ही परेशान हो जाता है कि उसने आज एक औरत और बच्चे को मारा है। लेकिन जब उसके साथी उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि आज तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तब क्रिस के जान में जान आती है और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। फिर अगले दिन वो पहुंचता है बैटलफील्ड, तब वो देखता है कि एक गाड़ी इनकी तरफ चली आ रही है और उसमें भी कुछ आतंकवादी हैं और सारे मरीन्स उस पर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तब क्रिस यहाँ पे सीधा हेडशॉट देता है उस ड्राइवर को और वो गाड़ी रुक जाती है और जल्दी ही वो गाड़ी ब्लास्ट भी हो जाती है। तब क्रिस को एक बार फिर से बधाई मिलती है कि आज उसने फिर से बहुत सारे मरीन्स की जान बचाई है। तभी शाम में क्रिस एक और आदमी को मारता है जो इनके ऊपर एक तोप छोड़ने वाला था, इसीलिए अब धीरे धीरे क्रिस की सोच बदल रही है और उसके अंदर दुश्मनों को मारने का भूख बढ़ रहा है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। तभी हम दूसरी तरफ मुस्तफा को देखते हैं और वो भी यहाँ पे लगा हुआ है और वो जल्दी ही एक अमरीकी सेना को मारता है और अब हर तरफ क्रिस की वाहवाही बढ़ने लगती है और मरीन्स वाले इसे लेजेंड कह के बुलाते हैं। तभी क्रिस को ताया का कॉल आता है और हम देखते हैं कि अब ताया प्रेग्नेंट है और ताया यहाँ पे क्रिस को ये भी बताती है कि तुम्हारे छोटे भाई ने भी आर्मी को ज्वाइन कर लिया है और वो भी जल्दी ही इराक पहुंचेगा। और इस बात को सुनने के बाद अब क्रिस भी सोच में पड़ जाता है। तभी इनकी मीटिंग होती है और इनका सीनियर इन्हें बताता है अबू मुसब्बल जरकावी के बारे में जो अलकायदा का लीडर है और इनका सीनियर चाहता है कि अब ये लोग उसे मारे, इसीलिए सारे लोग काम पे लग जाते हैं। लेकिन अब क्रिस मरीन्स को कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा और वो भी उनके साथ चला जाता है सर्च ऑपरेशन में और ये लोग सारे घर की तलाशी लेने लगते हैं और लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। तभी ये लोग एक घर में दाखिल होते हैं और यहाँ पर एक आदमी से पूछताछ करने लगते हैं। तब वो आदमी इनसे कहता है कि उसे $1,00,000 चाहिए, फिर वो बता देगा जरकावी के बारे में। लेकिन क्रिस कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम जरकावी को जानते हो। तब वो अपनी पत्नी का कटा हुआ हाथ दिखाता है और कहता है कि वो एक शैतान है और अगर उसे इस बारे में भनक लग गई तब वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा और मुझे भी, इसीलिए मुझे सुरक्षा चाहिए और उसके साथ साथ $1,00,000 चाहिए ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। और तब मैं तुम लोगों को जरकावी और उसके एक आदमी के बारे में बता दूंगा। और वो यहाँ पे एक नाम भी बताता है और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग वापस चले आते हैं। तब क्रिस अपने सीनियर को ये सारी बातें बताता है। तब उसका सीनियर कहता है कि उसे $1,00,000 मिल जाएंगे, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी सेना को उसके पीछे नहीं लगा सकते, इसीलिए उसे अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन अब इन्हें $1,00,000 मिल जाते हैं, इसीलिए अगले दिन ये लोग सारे पैसे को लेकर के जाने लगते हैं उस आदमी के पास। तभी हम यहाँ पे मुस्तफा को देखते हैं जो एकदम निशाने पे बैठा हुआ है और यहाँ पे जरकावी के भी लोग आ चुके हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में भनक लग गई थी, इसीलिए अब वो उस आदमी के बच्चे को मार रहे होते हैं। और जैसे ही मरीन से यहाँ पे आते हैं मुस्तफा उनके ड्राइवर को मार देता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है और यहाँ पे क्रिस भी होता है और क्रिस अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो स्नाइपर को देख सके, लेकिन वो स्नाइपर बहुत ही चालाक है, वो बार बार इन पे हमला करते रहता है। तब तक जरकावी के लोग उस आदमी के पूरे परिवार को और उसे मार करके वहाँ से निकल जाते हैं और क्रिस इन चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो उन सबको मारना चाहता है और अपने साथियों के मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन उसे पता लगता है कि उसका पहला टूर अब यहीं पे खत्म होता है, इसीलिए क्रिस वापस आ जाता है और वो मिलता है अपनी पत्नी से और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे लेकर के जाता है डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर देखती है कि क्रिस बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो उसका भी बीपी नापने लगती है और वो देखती है कि क्रिस का बीपी बढ़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे कहती है कि वो अपना इलाज करवाए। तब क्रिस अपनी पत्नी को लेकर के वापस आने लगता है, लेकिन वो अभी भी युद्ध के विचारों में खोया हुआ है। तभी उसकी पत्नी के पेट में दर्द होता है और जब ये लोग वापस जाते हैं तब क्रिस पिता बन जाता है और ताया एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन क्रिस अब बिल्कुल ही बदल चुका है, वो घर आने के बाद भी उसी कैसेट को देखता है जब इराक में मरीन्स को मारा गया है और अब उसके अंदर का गुस्सा ऐसे ही बढ़ रहा है और ताया इन सारी चीजों को नोटिस कर रही है कि क्रिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए ताया उसे समझाने की भी कोशिश करती है। तभी क्रिस को पता लगता है कि अब उसका दूसरा टूर शुरू होने वाला है, इसीलिए वो पहुंचता है कैंप पे। तभी वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है उसके भाई से, लेकिन उसका भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि युद्ध सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए वो युद्ध को गालियां बकता है और अब शायद वो दोबारा कभी भी वापस ना आए। और इतना कहने के बाद वो घर चला जाता है। लेकिन अब क्रिस जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठता है उसके सीनियर्स उसे बताते हैं कि अब उसका प्रमोशन कर दिया गया है और अब वो चीफ बन चुका है और उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि अब पूरा इराक तुमसे नफरत करता है और वो तुम्हें शैतान कह के बुला रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सारे इराकियों को मारा है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जरकावी जो तुम्हें मारने के लिए हर एक काम करने को तैयार है। लेकिन क्रिस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जैसे ही इराक पहुंचता है एक टीम तैयार करता है और फिर से पीछे लग जाता है जरकावी और मुस्तफा, और इसी बीच वो लोग एक घर के अंदर दाखिल होते हैं और उस आदमी से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन वो आदमी इन्हें विश्वास दिला देता है कि वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उन्हें पता है कि जरकावी आसपास ही रहता है, इसीलिए वो लोग इसी घर में छुप जाते हैं और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने लगते हैं। तभी वो जरकावी को एक बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखते हैं और अब वो इंतजार करने लगते हैं
कि वो कब बाहर आएगा। तभी इस घर का मालिक आता है इनके पास और कहता है कि आज हमारे घर पे दावत है और हम कभी भी दावत अकेला नहीं खाते, इसीलिए वो सबको इनवाइट करता है। और अभी सारे लोग एक ही टेबल पे बैठ करके खाने लगते हैं। तभी क्रिस की नजर पड़ती है उस आदमी के केहनी पे और वो देखता है कि उसकी केहनी बहुत ही ज्यादा लाल है। और क्रिस समझ जाता है कि ऐसा तभी होता है जब कोई आदमी घंटों बैठा रहता है अपनी केहनी पे, और वो ऐसा तभी करता है जब वो बंदूक चला रहा हो। इसीलिए क्रिस यहाँ से चुपके से खड़ा हो जाता है और वो इस आदमी के पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। और थोड़ी देर के बाद उसे बहुत सारा असला बारूद मिलता है, इसीलिए वो वापस आता है और इस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पास में ही जरकावी रहता है, इसीलिए सबसे पहले ये लोग उसी आदमी को भेजते हैं जरकावी के घर के अंदर। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है यहाँ पे गोलीबारी होने लगती है और क्रिस सबसे पहले इसी आदमी को मारता है। उसके बाद वो सबको मारने लगता है, लेकिन अब जरकावी एक गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन क्रिस उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए देखते ही देखते क्रिस उन सबको मार देता है और जरकावी को भी। और इस चीज से सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अब इराक की जनता इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसीलिए वो हर जगह नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब मुस्तफा को भी इस बारे में पता लग गया है कि इन लोगों ने जरकावी को मार दिया, इसीलिए वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी क्रिस का दूसरा टूर भी खत्म हो जाता है और वो अपने देश वापस आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि अब क्रिस का बेटा बड़ा हो गया है और जब वो अपने बेटे के साथ होता है तभी उसके पास एक मरीन ऑफिसर आता है और वो क्रिस का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आप हमारे हीरो हैं क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। और इतना कहने के बाद वो अपना कटा हुआ टांग दिखाता है और कहता है कि अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता, इसीलिए आप मेरे लिए भगवान हैं और मेरे ग्रुप के सारे लोग आपको हीरो मानते हैं और सब आपको लेजेंड कह के बुलाते हैं। और इतना कहने के बाद वो उसके बेटे से कहता है कि तुम्हारे पिता एक हीरो हैं। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अब क्रिस को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तभी वो सीधा पहुंचता है हॉस्पिटल और यहाँ पे हमें पता लगता है कि क्रिस फिर से पिता बना है और ताया ने एक बेटी को जन्म दिया है। और जब उसकी बेटी रो रही होती है तब क्रिस हाइपर होने लगता है वहाँ की नर्स पे और हमें पता लगता है कि अब क्रिस के बर्ताव में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है और ताया भी इस चीज को नोटिस करती है। इसीलिए वो क्रिस को फिर से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ही बदल चुके हो, तुम्हारा हमेशा युद्ध पे रहता है। लेकिन क्रिस इन बातों को इग्नोर कर देता है और वो पहुंचता है अपने तीसरे टूर पे इराक और वो अपने साथियों के साथ बहुत ही खुश होता है। और ये लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक आदमी कॉल कर देता है मुस्तफा और मुस्तफा भी बदले की आग में जल रहा है, इसीलिए वो अपना पोजीशन ले लेता है और जल्दी इन पे गोलियां चलाने लगता है। और इस चीज को देख करके अब सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं और जो जहां होता है वहीं से गोलियां चलाने लगता है। इसीलिए अब क्रिस अपने एक साथी बिगल्स के साथ जाता है छत पे ताकि वो उस स्नाइपर को देख सके, लेकिन वो स्नाइपर इन्हीं लोगों पर निशाना साधे बैठा होता है और देखते ही देखते वो बिगल्स को गोली मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद अब क्रिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत देर तक मुस्तफा के लोकेशन को पता लगाने की कोशिश करते रहता है। लेकिन फिर वो निश्चय करता है कि बिगल्स ज्यादा घायल है, इसीलिए वो सबसे पहले बिगल्स को लेकर के नीचे जाएगा। इसीलिए वो बिगल्स को लेता है और उसे गाड़ी तक पहुंचा देता है। फिर ये लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन मुस्तफा अभी भी बाज नहीं आता और वो यहाँ पे इनके एक और साथी को मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद अब क्रिस आग बबूला होने लगता है और वो कैसे भी मुस्तफा को मारना चाहता है। और इसी के साथ इसका तीसरा टूर भी खत्म हो जाता है। तब क्रिस जाता है अपने दोस्त के फ्यूनरल पे और वहां से वापस आने के बाद वो मिलता है बिगल्स से और बिगल्स के साथ मजाक करने लगता है और कहता है कि मैं मुस्तफा को जल्दी ही खत्म कर दूंगा क्योंकि उसने तुम पे गोली चलाई है। तब बिगल्स कहता है कि तुम जरूर कर दोगे क्योंकि तुम मिलिट्री के इतिहास के सबसे काबिल स्नाइपर हो, इसीलिए तुम्हें सारे लोग लेजेंड्स कह के बुलाते हैं। और अब ये दोनों ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। लेकिन अब क्रिस बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसलिए जब वो घर पहुंचता है तब वो इंडायरेक्टली अपनी पत्नी से ये बातें कहना चाहता है कि वो मरने वाला है। और इस बात को सुनने के बाद अब ताया रोने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने अभी के अभी मिलिट्री को नहीं छोड़ा और तुम एक बार और वापस गए तब तुम मुझे खो दोगे और अगर तुम वापस आओगे तब तुम मुझे यहाँ पे नहीं पाओगे। तब क्रिस कहता है कि मुझे किसी को भी मारने का शौक नहीं है, मैं ये काम इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने भाइयों की जान बचा सकूं, वो सारे मरीन्स मेरी वजह से वहाँ पे खुला घूम पाते हैं और अगर मैं नहीं रहूंगा तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसीलिए अब क्रिस वापस जाता है अपने चौथे टूर पे और वो जैसे ही इराक में पहुंचता है वो बिगल्स के बारे में बातें करने लगता है। तभी इसका एक साथी बताता है कि आज सुबह ही बिगल्स की मौत हो गई और इस बात से अब क्रिस टूट जाता है और वो जल्दी ही पहुंचता है छत पे और फिर से नजर रखने लगता है। तभी उसे एक आदमी नजर आता है तोप के साथ, फिर वो उसे गोली मार देता है। लेकिन वहीं पे एक बच्चा खड़ा होता है जो एकदम नासमझ होता है और वो कोई आतंकवादी भी नहीं, इसीलिए वो बस खेलने के लिए उस रॉकेट लॉन्चर को उठा लेता है। तब क्रिस यहाँ पे ईश्वर से दुआ कर रहा होता है कि ये बच्चा सिर्फ रॉकेट लॉन्चर को नीचे फेंक दे क्योंकि क्रिस इसे नहीं मारना चाहता। और थोड़ी देर के बाद वो बच्चा लॉन्चर को फेंक भी देता है और यहाँ से भाग जाता है। तब क्रिस के जान में जान आती है। लेकिन वो जैसे ही कैंप पे वापस आता है उसके सीनियर उसे बताते हैं कि बीच शहर में किसी ने एक दीवार बनाई है और उस दीवार के पीछे से वो हमला कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग को कैसे भी जाकर के उस दीवार को गिराना है। और ये सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे और क्रिस भी अपनी पोजीशन ले लेता है। लेकिन यहीं पे हम मुस्तफा को भी देखते हैं और वो भी अपने पोजीशन पे है क्योंकि उसे पता है कि आज यूएस आर्मी आने वाली है इस दीवार को तोड़ने के लिए। इसीलिए जैसे ही एक मरीन उस दीवार को तोड़ता है मुस्तफा उसे मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद अब क्रिस को मुस्तफा का लोकेशन पता लग जाता है। लेकिन मुस्तफा यहाँ से 2100 गज की दूरी पे है और आज से पहले किसी ने भी इतना लंबा निशाना नहीं लगाया है, इसीलिए अब सब लोग क्रिस को मना करते हैं और वो बार बार पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि वो मुस्तफा ही है। और क्रिस कहता है कि हाँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसमें बहुत खतरा है
है और इस निशाने के लगने के चांसेस बहुत कम है। और जैसे ही इनके सीनियर को ये बात पता लगती है, वो फोर्स को वहाँ से रवाना कर देता है और कहता है कि इस निशाने को मत लगाना वरना तुम्हारी लोकेशन उन्हें पता लग जाएगी, और अगर तुम्हारा निशाना चूका तब मुस्तफा भी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्रिस अब किसी की बात नहीं सुनता और वो यहाँ पे कमाल करता है। वो एक निशाना लगाता है और उसे सीधा मिलता है हेडशॉट, और यहीं पे वो मुस्तफा को ढेर कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग बहुत चक्का रह जाते हैं कि आज क्रिस ने एक इतिहास रच दिया है। लेकिन अब सारे इराकियों को इनकी लोकेशन पता लग चुकी है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा तादाद में इन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तब ये लोग भी उन पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए वो अंधाधुन इन पे गोलियां चला रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अमरीकी सेना आ जाती है और ये लोग सबको कहते हैं कि वो हवाई फायर करें वरना ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। इसीलिए ये लोग पास से मिसाइल छोड़ने लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा होता है क्योंकि इस मिसाइल के चपेट में मरीन्स भी आ सकते हैं। फिर भी ये लोग मिसाइल गिराते रहते हैं और क्रिस इन सारी चीजों को देख करके डर जाता है और उसे लगता है कि आज वो मर जाएगा। इसीलिए वो ताया को कॉल करता है और कहता है कि वो घर वापस आ रहा है, और इस चीज को सुनने के बाद अब ताया भी डर जाती है, इसीलिए वो भी रोने लगती है। तभी यहाँ पे इनकी सेना वाले आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे चारों तरफ तूफान आ चुका है और आसपास देखना भी मुश्किल है, इसीलिए इनके लिए आसान होता है यहाँ से निकलना। और अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी क्रिस कॉल करता है ताया को और ताया पूछती है कि तुम कहाँ हो, तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ। फिर वो कहती है कि तुम अमेरिका वापस आ गए और तुम अभी तक घर नहीं आए हो। तब वो बताता है कि उसने आर्मी को छोड़ दिया है, लेकिन इस बात से क्रिस बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहता था। लेकिन अब क्रिस इन सारी चीजों से तंग आ चुका है, इसीलिए वो घर वापस आ जाता है। लेकिन वो अब पूरे तरीके से बदल चुका है क्योंकि एक स्नाइपर चीजों को बहुत ही ध्यान से देखता है और वो हर एक हलचल को नोटिस करता है, और क्रिस दिन भर यही करते रहता है और उसे छोटी छोटी भी आवाजें सुनाई पड़ती है, इसीलिए वैसे ही परेशान रहता है और वो किसी की भी आवाज नहीं सुनता जब उसे कोई बुलाता है तो। और ताया इन सारी चीजों को नोटिस कर रही होती है। इसी बीच जब क्रिस पार्क में बैठा होता है, तभी वो एक कुत्ते को देखता है जो एक बच्चे पे हमला कर रहा होता है और वो बस उसके साथ खेल रहा होता है। लेकिन क्रिस को लगता है कि यहाँ पे खतरा है, इसीलिए वो उस कुत्ते को किसी आतंकवादी की तरह पकड़ता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और क्रिस रुक जाता है। तब ताया उसे भेजती है साइकेट्रिस्ट के पास, और अब साइकेट्रिस्ट सवाल पूछने लगता है क्रिस से, और वो सबसे पहला सवाल पूछता है कि हर जगह ये बात फैली हुई है कि तुमने 160 लोगों को मारा है, क्या ये बात सच है? और क्रिस कहता है कि हाँ। तब वो पूछता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता? तब क्रिस कहता है कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने उन लोगों को नहीं मारा होता तब उन लोगों ने उससे ज्यादा लोगों को मार दिया होता, इसीलिए मुझे लोगों को बचाने के लिए ये करना पड़ा। तब वो डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम अभी लोगों की मदद करना चाहते हो, और वो कहता है कि हाँ। फिर ये डॉक्टर उसे लेकर के जाता है हॉल में, जहाँ पे बहुत सारे सिपाही होते हैं जो बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं और उन्होंने अपने शरीर के अंगों को खो दिया है। इसीलिए अब क्रिस उनसे बातें करने लगता है और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, और अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है और क्रिस अपने परिवार के साथ भी समय बिताने लगता है, और वो अपनी बेटी के साथ शिकार पर भी जाता है, और ऐसा लगता है कि अब क्रिस नॉर्मल हो रहा है। तभी एक दिन उसे ईडी नाम का एक आदमी लेने आता है। ईडी ने भी युद्ध लड़ा हुआ है, इसीलिए उसे PTSD है और उसे अपने दिमाग पे बिल्कुल भी काबू नहीं है। लेकिन अब क्रिस ऐसे ही लोगों के साथ रहता है और ईडी उसे लेकर के चला जाता है। तभी हमें पता लगता है कि ईडी क्रिस को मार देता है, और फिर हम क्रिस के फ्यूनरल पे पूरे अमेरिका को शोक मनाते हुए देखते हैं, और उसकी लाश पूरे शहर के बीचों बीच होकर के जाती है और सारे लोग उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। और ये एक ओरिजिनल फुटेज है, और इस वीडियो को तब बनाया गया था जब क्रिस के लाश को ले जाया जा रहा था। लेकिन अमेरिकी सेना के लिए क्रिस हमेशा ही एक हीरो रहेगा जिसने अपने नाम बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और क्रिस ने अपनी किताब में लिखा कि उसने 255 लोगों को मारा है, उसमें से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 160 लोगों को कंफर्म किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।